आदाब अर्ज है आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। दार्जिलिंग शहर पहाड़ों में बसा एक खूबसूरत शहर, लेकिन जितनी ज्यादा खूबसूरत यहाँ की प्रकृति है उतनी ही कंफ्यूजिंग यहाँ की राजनीति है। दार्जिलिंग की राजनीति में कई नेताओं ने अपना नाम दर्ज किया, कई बड़े नेता आए और चले गए, लेकिन दार्जिलिंग की राजनीति में एक ऐसा नाम हमेशा के लिए बस गया जिसके बिना वहाँ की राजनीति आज भी अधूरी है, और वो नाम है सुभाष घिसिंग। सुभाष घिसिंग जिन्हें उनके सपोर्टर्स आप्पा कहकर बुलाते हैं, जिसका अर्थ होता है पिता। उन्होंने दार्जिलिंग पर 2 दशक से भी ज्यादा वक्त तक शासन किया। सुभाष घिसिंग का जन्म 22 जून 1936 को मिरिक के मंजूटी एस्टेट में हुआ था। 7 भाई बहनों में वे छठे थे। उनकी छोटी उम्र में ही उनके पिता के देहांत हो जाने के कारण सुभाष को अपना स्कूल छोड़कर 1954 में आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। आर्मी में रहते हुए ही उन्होंने 1959 में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। घिसिंग जब आर्मी में थे तो उन्होंने पूरे भारत में हो रही गोरखाओं के प्रति आइडेंटिटी क्राइसिस को महसूस किया। उन्होंने जाना कि अधिकतम भारतीय लोग नेपाली भाषी भारतीयों को विदेशी समझते थे। इस बात से उन्हें बड़ा दुख हुआ और नाराजगी भी, और इस आक्रोश में उन्होंने आर्मी छोड़ दी और वे दार्जिलिंग वापस आ गए। दार्जिलिंग वापस आने पर उन्होंने एक शिक्षक के रूप में 1961 में तिंधारिया बंगला स्कूल ज्वाइन किया। लगभग 1 साल तक कार्य करने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वे कलिम्पोंग शिफ्ट हुए और 1962 में जूनियर बीटी कॉलेज से टीचिंग में डिप्लोमा किया। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण कॉलेज प्रिंसिपल के साथ एक आर्ग्यूमेंट के चलते उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। हालांकि 1963 में उन्होंने दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से आर्ट्स में क्लास 12th की पढ़ाई पूरी की और फिर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई किया, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब सुभाष घिसिंग ने राजनीति में कदम बढ़ाए। वे एक लोकल यूथ ऑर्गेनाइजेशन तरुण संघ के जनरल सेक्रेटरी बने। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बढ़ने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और सरकार के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट के चलते उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 1968 में उन्होंने अपनी पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जिसका नाम था नीलो झंडा यानी ब्लू फ्लैग। राजनीतिक करियर में उनका मुख्य उद्देश्य था दार्जिलिंग पहाड़ के नेपाली भाषी लोगों पर हो रहे सोशल इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाना, लेकिन सही रास्ते में भी कई कठिनाइयां आया करती है और सुभाष के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं था। उनको अपनी पहचान बनाने के लिए भी कई साल लगे। 1968 से लेकर 1978 एक ऐसा वक्त रहा जब पहाड़ की जनता भी उन्हें सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन वो अपने मकसद में इतने अड़े हुए थे कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों में राजनीति को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए वो इस झंडे के साथ एक हॉर्न लेकर चला करते थे, लेकिन अफसोस लोगों ने उन पर ध्यान दिया ही नहीं। किसी ने उन्हें पागल कहा तो कोई हॉर्न की आवाज से परेशान होता रहा। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। और एक दिन इसी तरह बढ़ते हुए दार्जिलिंग के रंगबुल बाजार में एक शख्स ने उनके लेक्चर से परेशान होकर अपनी खुकरी निकाली और घिसिंग को वहां से भागना पड़ा। वो कई दिनों तक गायब रहे, लेकिन जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी अगली स्पीच की शुरुआत वहीं से की जहां उन्होंने उसे छोड़ दिया था। उन्होंने नेपाली भाषा में कहा, अस्ति मलाई खेद्नु भन्दा अघि मैले भन्दै थिएँ, यानी मेरे पीछे पड़कर जब उस दिन मुझे भगाया गया था मैं कह रहा था। दार्जिलिंग की जनता में उनकी वैल्यू तब से होने लगी जब उन्होंने प्रांत परिषद को ज्वाइन किया। वो एक ऐसा दौर था जब उनके समकालीन लोगों में से एक थे साहित्यकार इंद्र बहादुर राय। सुभाष घिसिंग ने सेपरेट स्टेट की डिमांड सबसे पहले 22 अप्रैल 1979 में की थी। जिस तरह के इश्यूज उन्होंने रेज किए
उस वजह से उनको लोगों द्वारा खासकर युवा वर्ग में और भी ज्यादा अटेंशन मिलने लगी। अच्छा सपोर्ट मिलने के कारण सुभाष ने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की जिसका नाम है गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यानी गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा। लेकिन एक नई पार्टी की स्थापना क्यों? यहां बात आती है 1970 से 1980 तक के दशक की, जब भारतीय गोरखाओं को, स्पेशली दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के गोरखाओं को विदेशी का टैग दिया था। ऐसे मुद्दे उठाए गए थे कि गोरखा भारतीय नहीं है। इस सिटीजनशिप के मुद्दे को क्लियर करने के लिए अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति की एक डेलीगेशन 1977 में तब के प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई से मिलने गई। उनकी यह डिमांड थी कि नेपाली भाषा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल में वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस की सूची में शामिल किया जाए। लेकिन मुरारजी देसाई ने उनके इस प्रपोजल को ना केवल रिजेक्ट किया बल्कि पूरी डेलीगेशन का अपमान भी किया। ऐसा कहा जाता है कि जब डेलीगेशन ने अपने मुद्दों का जिक्र किया था तब पीएम ने अपमानजनक बातें कहते हुए कहा कि यह पिटीशन उन्हें अपने राजा को सौंपना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं। राजा से उनका मतलब नेपाल के राजा से था। जब डेलीगेशन ने भारत में गोरखाओं के कंट्रीब्यूशन की बात रखी तो पीएम ने कहा कि आप लोग भारत में आर्मी ज्वाइन करने के लिए बाहर से आते हैं और फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों में बस जाते हैं, क्या मैं इंडियन आर्मी में गोरखाओं की रिक्रूटमेंट को रोक दूं? हम आपको रहने का एक टुकड़ा दे रहे हैं और आपको पूरा क्षेत्र चाहिए। यह था एक इंसिडेंट। और दूसरा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गोरखाली लोगों को विदेशी का टैग दिया जाना। उस दौर में भारतीय गोरखाली लोगों को अपने ही घरों से बेघर किया जाने लगा। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स जैसे मिजोरम, मेघालय, असम और मणिपुर में रह रहे गोरखाओं को बेघर कर दिया गया। इस मूवमेंट को भूमिपुत्र मूवमेंट का नाम दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट में लगभग 45,000 नेपाली भाषी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लगभग 8,000 लोगों को मिजोरम से निकाल दिया गया। लगभग 20,000 लोगों को असम से, 17,000 लोगों को मेघालय से और 2,000 लोगों को मणिपुर से निकाल दिया गया। और सभी निकाले गए नेपाली भाषी भारतीयों को देश के विभिन्न हिस्सों में रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा। और यही दो ऐसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स थे जिस वजह से दार्जिलिंग में रह रहे नेपाली भाषियों में एकता और आक्रोश की भावना डेवलप हुई। और सुभाष घिसिंग ने इन्हीं एट्रोसिटीज के चलते 5 अप्रैल 1980 में GNLF यानी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की और गोरखा लैंड शब्द की नींव रखी गई। सन 1980 में ही प्रांत परिषद द्वारा सबसे पहले गोरखाओं के लिए एक अलग स्टेट की मांग उठाई गई थी। लेकिन 7 सितंबर 1981 में प्रांत परिषद के दो लीडर्स आर्टिस्ट कृष्ण सुब्बा और देवराज शर्मा को पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके मार दिया गया और इस डिमांड को शुरुआत में ही दबा दिया गया। इन दो हत्याओं का सुभाष घिसिंग पर भी गहरा असर पड़ा। एक नई पॉलिटिकल पार्टी और उसका झंडा ना, ऐसा कैसे हो सकता है? इस झंडे में आप देख सकते हैं कि यह हरा रंग का झंडा है जिसमें एक खुकरी है जो गोरखाओं का जातीय चिन्ह है। इसके अलावा 3 तारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पार्टी के लक्ष्य यानी कि मिशन को बताते हैं। झंडे का हरा रंग आत्मविश्वास का प्रतीक है और इसमें 4 गोल्डन रंग की लाइंस इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और अपॉर्चुनिटी की सूचक है, यानी समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और अवसर। 1981 में घिसिंग पत्र लिखते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोरखालैंड की मांग करते हुए। 3 साल बाद सेम रिक्वेस्ट वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी करते और सवाल उठाते हैं 1950 की इंडो नेपाल मैत्री संधि को लेकर। ये वही संधि है
जिसकी वजह से गोरखाओं की इंडियन सिटीजनशिप को लेकर मिसकंसेप्शन पैदा होती है। गेसिंग राजीव को लिखते हुए टेलीग्राम में आंदोलन के वायलेंट हो जाने का जिक्र करते हुए कहते हैं, भारत की केंद्र सरकार हमेशा से ही एक लोकतांत्रिक आंदोलन के खिलाफ रही है, जिस वजह से आंदोलनकारी हथियार उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस संधि के आर्टिकल 7 का बहिष्कार करते हुए 2 जून 1985 को सुभाष घिसिंग करशियोंग में भाषण देते हैं, जिसे रिकॉर्ड करके पूरे दार्जिलिंग में कैसेट्स के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है। और 22 सितंबर 1985 सुभाष घिसिंग दार्जिलिंग की टीस्टा वैली से गोरखालैंड कैंपेन की शुरुआत करते हैं। अब बात आती है 1986 की, एक ऐसा साल जो भारतीय गोरखाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साल है। सुभाष घिसिंग और उनकी पार्टी जीएनएलएफ की लीडरशिप में 1986 में गोरखालैंड के लिए एक आंदोलन की शुरुआत होती है। दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र में स्ट्राइक घोषित कर दी जाती है। आंदोलन की शुरुआत में पश्चिम बंगाल की सरकार जीएनएलएफ और सुभाष घिसिंग को इतना सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नई पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन घिसिंग का दबदबा पहाड़ की जनता में बढ़ता ही जा रहा था। वायलेंट स्पीचेस बिकेम अ रीजन बिहाइंड द एजिटेशन टर्निंग वायलेंट। तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु दार्जिलिंग हिल्स में एंटी टेररिस्ट एक्ट को इम्पोज कर देते हैं और सभी प्रोटेस्टर्स को आतंकी घोषित कर दिया जाता है। यहां एक बहुत ही अहम इंसिडेंट है जिसे जानना बेहद जरूरी है। आज पूरे भारत में 26 जुलाई शहीद दिवस के रूप में माना जाता है। इस दिन श्रद्धांजलि दी जाती है 1999 की करगिल वॉर में शहीद हुए सैनिकों को, वे शहीद जिनमें कई सैनिक गोरखा भी थे। लेकिन गोरखाओं का एक शहीद दिवस 27 जुलाई को भी माना जाता है। 27 जुलाई 1986 को कलिम्पोंग में कई लोग एकत्रित होते हैं। सभी लोग मिलकर 1950 की इंडो नेपाल मैत्री संधि को जलाते हैं। लेकिन जब ये रैली पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचती है तो गनशॉट सुनाई देते हैं। बिना किसी वार्निंग के पुलिस गोलियों की बौछार कर देती है और ये सब होता है ज्योति बसु की सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के ऑर्डर्स पर। 13 गोरखाओं की जान चली जाती है, जिनमें औरतें और बच्चे भी होते हैं। मरने वालों में 14 साल की एक छोटी सी बच्ची प्रतिमा प्रधान भी होती है। इस मसाकर की वजह से कलिम्पोंग को गोरखालैंड आंदोलन का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। और इस भयानक फायरिंग को लीड कर रहे आईजी आरके हांडा को कलिम्पोंग का जनरल डायर घोषित कर दिया जाता है। कई गोरखाओं का यह कहना है कि सीआरपीएफ ने इस आंदोलन के दौरान ना केवल हत्याएं की बल्कि आंदोलनकारियों के घर जला दिए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए और जो भी सरकार के खिलाफ बोलता था उसे गोली मार दी जाती थी। आंदोलनकारियों के खिलाफ इस कार्यवाही में 1200 से भी ज्यादा लोगों की जान गई और यह सिर्फ रिपोर्टेड डेटा है। ज्योति बसु सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन विध्वंस होने लगते। इस मसाकर का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि उनकी सरकार पर सवाल उठने लगते हैं। वायलेंस के बढ़ जाने के कारण इकोनॉमी पर भी इफेक्ट पड़ता है और राजीव गांधी को इंटरवीन करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्योति बसु और सुभाष घिसिंग के साथ बात करने के लिए राजी हो जाती है। जनवरी 1987 में घिसिंग गृह मंत्री बूटा सिंह से मिलते हैं और पीसफुल नेगोशिएशन के लिए मान जाते हैं। हालांकि इतने वायलेंट एजिटेशन के बाद भी गोरखालैंड नहीं मिलता, बल्कि इसे रिप्लेस कर दिया जाता है एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी से 1988 में DGHC की स्थापना के साथ, यानी दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल।
ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी की संधि गृह मंत्री बूटा सिंह, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु और सुभाष घिसिंग के बीच 22 अगस्त 1988 में साइन की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि इस बॉडी के नाम में दार्जिलिंग नाम रखा जाए, लेकिन सुभाष ने गोरखा नाम पर जोर दिया। अल्टीमेटली दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल नाम पर साइन कर दिया गया। सुभाष घिसिंग डीजीएचसी के चेयरमैन की कुर्सी संभालते हैं और लगभग 2 दशक तक डीजीएचसी दार्जिलिंग हिल्स में कार्यरत रहती है। दार्जिलिंग के कई लोग डीजीएचसी की साइनिंग से खुश नहीं होते, इस बात का जिक्र खुलकर नहीं किया जाता, लेकिन असित राय द्वारा लिखी गई एक किताब चिन्हारी को खोज यानी इन सर्च ऑफ आइडेंटिटी में एक कैरेक्टर को यह कहते हुए दिखाया गया है, गोरखालैंड को और को विकल्प चाइना हामीलाई गोरखालैंड चाहिन्छ, हामीले उठाएको शस्त्र र खुकुरीको धारको कसम हामी गोरखालैंड लिएर छाड्छौँ। दार्जिलिङ गोर्खा पर्वतीय परिषद बङ्गालको दासत्वको मुक्ति होइन, जातीय अस्तित्वको आधार होइन, विच ट्रान्सलेट्स टु गोरखालैंड का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लोगों ने जो खुकरी और हथियार उठाए थे वो गोरखालैंड के लिए ही उठाए थे, और डीजीएचसी ना ही बंगाल की स्लेवरी से मुक्ति का रास्ता है और ना ही गोरखा की आइडेंटिटी को बताता है। 1986 का वॉयलेंट एजिटेशन डीजीएचसी के साथ समाप्त हो जाता है और जीएनएलएफ अपने सभी आर्म्स एंड अम्यूनिशन को सरेंडर कर देती है। अब एक बार फिर से पीछे चलते हैं और बात करते हैं जीएनएलएफ के झंडे को लेकर। 3 तारे यहां सुभाष की पॉलिटिकल फिलॉसफी को दर्शाते हैं। उनके अनुसार किसी भी कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए 3 key factors इंपॉर्टेंट रोल है, सिटीजनशिप, आइडेंटिटी, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन। अब बात करते हैं सिटीजनशिप की। जब सुभाष ने गोरखालैंड स्टेट की डिमांड रखी थी तब भारतीय गोरखाओं की सिटीजनशिप पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिस वजह से ही नॉर्थ ईस्ट में उनका बहिष्कार किया जा रहा था। तो इससे ये बात तो पता चलती है कि सुभाष की स्टेटहुड डिमांड सिर्फ दार्जिलिंग के गोरखाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के गोरखाओं की सुरक्षा के लिए थी। यहां तक कि उन्होंने डीजीएससी और किसी भी तरह के अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को सिर्फ एक बोनस कहा था, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य भारत के गोरखाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दिलाना था। 23 अगस्त 1988 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन जारी की जाती है जो गोरखाओं के सिटीजनशिप के मिसकंसेप्शनल इशू को क्लैरिफाई करते हुए उन्हें भारतीय घोषित करती है। अब आते हैं दूसरे फैक्टर यानी आइडेंटिटी पर। डीजीएससी भारत की पहली ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी जिसमें गोरखा शब्द का मेंशन किया गया था, जिस पर दबाव देने के लिए सुभाष घिसिंग ही जिम्मेवार थे, विच क्लैरिफाइज दैट सुभाष घिसिंग ही सबसे पहले एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गोरखाओं को एक करने के लिए, उन्हें अपनी आइडेंटिटी के प्रति जागरूक करने के लिए, उनके खिलाफ हो रहे एक्शंस के प्रति या यूं कहें कि सोए हुए गोरखाओं को जगाने के लिए गोरखालैंड स्टेटहुड की डिमांड रखी थी। अब आखिरी तारे यानी प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात करते हैं। 1931 में ब्रिटिश ने सेंसस कैलकुलेशन में पहाड़ के सभी लोगों को हिल ट्राइब्स में शामिल कर दिया था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये ट्राइब्स डिवाइड हो गई थी एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल जैसी क्लासेस में। सुभाष घिसिंग को इस बात का डर था कि इन क्लास डिवीजन से गोरखाओं की एकता डिवाइड हो जाएगी। डीजीएससी एक सेमी ऑटोनोमस बॉडी तो थी लेकिन उसे किसी भी तरह के लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं दिए गए थे, और सुभाष का मानना था कि इन लेजिस्लेटिव पावर्स को प्राप्त करने के लिए सबसे ईजीएस्ट रूट था दार्जिलिंग रीजन और वहां की कम्युनिटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में
शामिल करना। उनका यह मानना था कि अगर दार्जिलिंग को सिक्स शेड्यूल में शामिल कर लिया जाता है तो डीजीएससी को लेजिस्लेटिव पावर्स मिलेंगी, वहां के लोगों को हिल ट्राइब्स में शामिल किया जाएगा और अल्टीमेटली उस क्षेत्र को गोरखालैंड स्टेट का दर्जा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 2005 में तत्कालीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दार्जिलिंग को सिक्स शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसे ऑफिशियली इंक्लूड करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत थी, जो कि तब की यूपीए सेंट्रल गवर्नमेंट और सीपीआईएम स्टेट गवर्नमेंट के बीच के क्लैशेस के चलते हो नहीं सका। 20 साल बाद 2007 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अंडर द लीडरशिप ऑफ बिमल गुरुंग का गठन होता है और एक नए एजिटेशन की शुरुआत के साथ सुभाष घिसिंग का रूल दार्जिलिंग हिल्स में समाप्त हो जाता है। 29 जनवरी 2015 में एक लंबी बीमारी के चलते सुभाष घिसिंग का नई दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में देहांत हो जाता है। हॉस्पिटल अथॉरिटीज के मुताबिक उनकी मृत्यु की वजह निमोनिया और लीवर कैंसर बताई जाती है और जीएनएलएफ का पदभार सुभाष घिसिंग के बेटे मोहन घिसिंग को दिया जाता है। एक सशक्त नेता होने के अलावा सुभाष घिसिंग एक पेंटर और एक राइटर भी थे। उनके मुताबिक वे राइटर पहले और नेता बाद में थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वे राजनीति में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि तत्कालीन नेता गोरखाओं के हित में कार्य नहीं कर रहे थे। उनके नाम के साथ लगभग 22 लिटरेरी वर्क्स जुड़े हैं जो सुभाष के नाम से लिखे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वे राजनीति में नहीं आते हैं तो ये 22 काम 100 से भी ज्यादा हो जाते। कुछ प्रसिद्ध लिटरेरी वर्क जैसे मने, लुंखुम कैंप, शुभकामना और नीलो चोली उनके द्वारा ही लिखे गए। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उत्तर बंगाल और सिक्किम क्षेत्र की ऐसी कई स्टोरीज लेकर हम आपके साथ बने रहेंगे। शुक्रिया।